फिरोजाबाद में सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन द्वारा एकता संकल्प सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी और ओवैसी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, देखिए। उपस्थित सम्मानित मंचगण, उपस्थित जनता जनार्दन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। कौन मना कर रहा है? क्या राजनीति व्यापार है? क्या राजनीति बिजनेस है? क्या राजनीति मिशन है? आजादी के बाद एक परिवार चला रहा है पार्टी। कांग्रेस में कोई बेटी नहीं है ऐसी? क्या प्रियंका एक बेटी? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को नहीं बना सकती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में गरीब परिवार का जन्मा हुआ व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? हमारा बूथ अध्यक्ष कल का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? हमारा एक बूथ अध्यक्ष कल का मुख्यमंत्री हो सकता है? एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला गृह मंत्री हो सकता है? रक्षा मंत्री हो सकता है? आप दल चला रहे हैं कि दलदल चला रहे हैं? ट्रस्ट चला पार्टी चला रहे हैं कि ट्रस्ट चला रही हैं? आप क्यों जनता को गुमराह कर रही हैं? आप पिकनिक मनाने आई हैं? कोरोना जैसे महामारी में एक दिन नहीं दिखाई दिया? मतलब सड़कों पर उतरकर हमारा बूथ अध्यक्ष जो गरीब परिवार में जन्म लिया था, घर में रोटी नहीं है तो लैया चना लेकर अपने बाग से खीरा तोड़कर सड़कों पर प्रवासी मजदूर को बांटने का काम किया। पांच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में नड्डा जी के आह्वान पर हर घर से पैकेट का भोजन बनाकर रोड पर निकला। हम इसलिए दल चलाते हैं, दलदल नहीं चलाते, पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण करने निकले। वो लोग हैं क्या? देखिए, इस सुबह आज से नहीं, परमानेंट देश में कानून का अपना कानून काम करता रहता है। कहीं रेड डालना, कहीं छापा डालना, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं या हो सकता है किस प्रकार पैसा कमाते हैं, हवाला से कहाँ से आता है, तो स्वाभाविक है। तो बस कानून अपना काम करता है, इसमें हम लोगों का कोई मतलब नहीं। किसी राजनीतिक दल से चुनाव में अब इतना रुपया कहाँ से आएगा एक आदमी के पास, समझ में नहीं आता है। और बोरों का नोट भरा हो, छतों का नोट भरा हो, बाकी कुल मिलाकर देखिए राजनीतिक दल हम पार्टी का काम करते हैं, इसलिए हम सब की अपेक्षा रहती है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक एक ईमानदार नेतृत्व खड़ा कैसे हो पार्टी में, ये हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज मेरे पास ईमानदार नेतृत्व देश में है, राज्य के अंदर है और जिलों में है, सभी कार्यकर्ता हैं जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जनता जनार्दन की सेवा करते हैं और उसके आधार पर हम लोग सत्ता में आते हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत सुनवाई भी नहीं होता, काम भी वैसा न होने के बाद भी कार्यकर्ता रात दिन एक कमल के लिए, भारतीय जनता मेरी माँ है उसके आधार पर हम लोग काम करते रहते हैं। और हम सबका सपना रहता है कि दुनिया में भारत माता का जय जयकार हो और पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसका पक्का मकान हो जाए, उसके घर में शौचालय हो जाए, बिजली का कनेक्शन हो जाए, गैस कनेक्शन हो जाए, वह भी गरीब खुशहाल हो और दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, इसी सपना को लेकर हम नूरू निकले हैं। ये प्यार है गरीबों के दिल में, मैंने आपको कहानी बताई थी, गरीबों के दिल में बैठ चुका है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोटे भाई के रूप में डॉक्टर लेखराज प्रोफेसर रणवीर सिंह लोधे के रूप में और पूरे हमारी पार्टी सामाजिक नवलोक का जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता है उनके साथ हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हम जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा इस बार हम पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे। इस महागठबंधन से लोगों में कितना उत्साह है? इतना उत्साह है कि आप खुद देख सकते हैं कि लाखों की संख्या जहां इस गांव नब्बे बीघा मैदान में विधानसभा सुखाबाद में लाखों की संख्या में जो लोग आज पधारे हैं और इतनी संख्या में माताएं बहनें सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, आपको लग सकता है क्या उत्साह है और जनता क्या चाहती है? जनता के लिए कितनी उत्साह आपके अंदर है, क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे अंदर तो इतना उत्साह है, हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक गरीब का घर पक्का नहीं होगा, जब तक हर घर में शिक्षा नहीं होगी, इंजीनियर डॉक्टर नहीं होगा, तब तक हमारा ये मिशन चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड।